हाय, वेलकम वेलकम टू कृति पटेल सीरियल चैनल। और मैं कृति पटेल आपका बहुत 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 दिल से स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बड़े ही मजे में होंगे। मजे में तभी तो हम यहाँ पे, आप ये बोल सकते हो या तो। मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि आप सब बड़े ही मजे में हैं, हैप्पी है, सकुशल है। तो शायद अंदाजा तो लगाया होगा कि आज का मेरा कंटेंट क्या है। तो यस, ऑफ कोर्स ये आज का कंटेंट है ब्यूटी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को पता है कि मेरी क्या बात होती है। हाँ, वही, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो फिर भी अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बेल आइकन पर क्लिक करना है, सारे वीडियो को अप टू लास्ट तक देखना है। Yes, of course, इसे लाइक कमेंट शेयर भी करना है। लाइक क्यों करना है, कमेंट क्यों करना है? लाइक इसलिए करना है कि मुझे पता चले कि यार मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं या नहीं। अगर लगते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि चलो यार मैं नेक्स्ट किसी और टॉपिक पे कुछ भी लेके आऊं। कमेंट इसलिए करना है कि मैं जो बना रही हूँ वो अच्छा है या नहीं। अगर अच्छा नहीं है तो मैं इसे अच्छा करने की कोशिश कर सकूं। और ये तीन चीज तो करनी होगी ना, क्या? चैनल को सब्सक्राइब करना है, सारी वीडियो को अप टू लास्ट तक देखना है और इसे लाइक कमेंट शेयर करना है जिससे मेरे चेहरे पर ये वाली स्माइल रहती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले जब ये मैं कंटेंट के रिलेटेड वीडियो बना रही थी ना तो मेरे दिमाग में कुछ थॉट था, तो मैंने सोचा मैं यही थॉट आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ब्यूटी क्या होती है, ब्यूटी किसे कहते हैं? आउटर लुक को ही ब्यूटी कहते हैं? जीरो फिगर होना, फेयर एकदम से वाइट स्किन होना, अच्छे बाल होना, अच्छा फीचर्स होना, क्या यही ब्यूटीफुल की डेफिनेशन में आता है? नहीं। मुझे नहीं पता कि आप लोगों की डेफिनेशन ब्यूटी के रिलेटेड क्या है, बट मेरे अकॉर्डिंगली कोई भी चीज, मतलब ऊपर वाले ने जो भी इंसान बनाया है, जो भी चीज बनाई है ना, सब मतलब बहुत 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 ब्यूटीफुल है। हर एक मेल हैंडसम स्मार्ट है, चाहे फिर वो मोटा हो, पतला हो, ऊंचा हो, नीचा हो, फेयर स्किन वाला हो या डार्क स्किन वाला हो, वो हैंडसम एंड स्मार्ट है। कोई भी फीमेल होती है ना, चाहे वो जीरो फिगर वाली हो, चाहे जैसे मेरी जैसी चबी फिगर वाली हो, मोटी हो, चाहे वो फेयर स्किन वाली हो, चाहे वो डार्क स्किन वाली हो, चाहे उसके पास बड़ी बड़ी आंखें हो, अच्छे से लिप्स हो, अच्छे अच्छे फिंगर्स हो, मतलब कुछ जो आउटर लुक होता है ना, सब अच्छा हो, तो क्या उसे ही ब्यूटीफुल कहते हैं? नहीं। ये आउटर लुक होता है ना, वो टेम्पररी होता है, एक एज के बाद ये आपका साथ छोड़ देगा, बट जो हमारा इनर ब्यूटी है ना, वो लाइफ टाइम चलता है, लाइफ टाइम चलता है। तो अगर आप लोगों को ब्यूटीफुल, स्मार्ट, हैंडसम बनना है ना, तो पहले तो आप ये करो कि आप अपने इनर लुक को, मतलब इनर ब्यूटी को ब्यूटीफुल बनाओ। आप अपना हार्ट जो होता है ना, हमारा जो दिल होता है ना, वो एकदम से क्लीन रखो। किसी के लिए हमारे दिल में ना तो गुस्सा होना चाहिए, ना जेलसी होनी चाहिए, ना किसी के प्रति मन में कुछ गलत गलत सोच होती है वो होनी चाहिए। हमेशा हम किसी दूसरे इंसान के लिए ऑलवेज सही अच्छा ही सोचे, ये एक करना चाहिए। जब हमारा इनर ब्यूटी एकदम से निखरेगा ना, तो इसके लिए आपको ब्यूटीफुल या हैंडसम या स्मार्ट बनने के लिए किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फेस वॉश के बारे में, ये बहुत ही मतलब इसकी प्राइस भी आप देखो ना तो इतनी ज्यादा नहीं है। ये मतलब डे क्रीम, नाइट क्रीम और फेस वॉश जो आता है अप्रोक्सीमेटली, मैं लाती हूँ तो मुझे, मेरे यहाँ से जब मिलता है ना तो इस पे डिस्काउंट होता है, तो ये मुझे तीनों 680 रुपीज में पड़ता है और लास्ट
5 मंथ से मैं इसका यूज कर रही हूँ। मैं पहले कोई ब्यूटी ब्यूटी प्रोडक्ट का यूज नहीं कर रही थी, मुझे ऐसा लगता ही नहीं था कि मुझे कुछ यूज करना चाहिए। मुझे नेचुरल थिंग ही अच्छी लगती है, मैं जैसी हूँ वैसी ही मुझे अच्छी लगती हूँ। बट एज है, एज के साथ तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने सोचा कि चलो आगे जाके दिक्कत ना हो तो यही स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है जॉबिस का फेस वॉश। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन वाटर से अपने फेस को धो लेना है, उसके बाद इस फेस वॉश का एक ड्रॉप लेना है और फिर इसे अच्छे से क्लीन करना है, मतलब मुंह पे घिसना है चारों तरफ और इसे अच्छे से लगाकर अगेन फ्रेश वाटर से इसे क्लीन कर लेना है और टॉवल से पोंछ लेना है। इससे क्या होता है, ये स्क्रब वाला है तो इससे हमारी जो डेड स्किन होती है, हमारे चेहरे पर जो ऑयल होता है वो सारा निकल जाता है। मैं इसे दिन में 3 बार यूज करती हूँ और ये जो है वो मेरा चलता 2 से 2.5 मंथ ये मेरा चल जाता है। इतना सा पैकेट मेरा 2 से 2.5 मंथ चल जाता है। तो आप इससे अपना फेस दिन में 3 बार वॉश करें, जिससे आपकी ऑयली स्किन जो होती है वो क्लीन हो जाएगी, आपकी डेड स्किन निकल जाएगी और आपके चेहरे पर एक ग्लो आएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इसे फेस को वॉश करते हैं तो डेली हमें 2 चीज और भी करनी चाहिए, एक डे क्रीम और एक नाइट क्रीम। तो डे में भी हमारे स्किन, जब हम बाहर निकलते हैं कुछ भी काम करते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल हमारी स्किन पे लगते हैं, तो हम इसे अवॉइड कर सके, हम इसे बच सके, इसके लिए मैं डे क्रीम, आप देख सकते हो है ना। तो ये भी मतलब मैं कॉम्बो पैक ही लेती हूँ, तो ये डिब्बी भी मेरी ज्यादा से ज्यादा 3 मंथ से ज्यादा निकल जाती है, 3 से ज्यादा। तो आप सोच सकते हो कि कितना अच्छा प्रोडक्ट है, किफायती दाम भी है, तो हम इसे परचेस कर सकते हैं और इसके एडवांटेजेस ले सकते हैं। तो इसे हमें क्या करना है, दिन में जब हम नहा के आते हैं, हमने जब इस चीज को हमें, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो इसका इतना सा पोशन हमें लेना है, इतना सा, और पूरे चेहरे पर आपको लगा लेना है। और हाँ, एक्चुअली मुझे ना स्किन में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे डार्क सर्कल की बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करती हूँ कि ऑलवेज ये क्रीम सेट अंडर आई के नीचे में थोड़ा सा इससे मसाज करती हूँ 1 या 2 मिनट, और पूरे फेस पर इस क्रीम्स को अप्लाई करके थोड़ा सा मसाज करती हूँ 2 या 3 मिनट के लिए, और फिर इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ। इससे इतना अच्छा ग्लो आता है और चेहरे पे जो पिंपल होते हैं, डार्क स्पॉट होते हैं, वो कम होने लगते हैं, और दिन भर हमें ये स्किन प्रॉब्लम से, तो फेस वॉश से फेस क्लीन करने के बाद रात को सोने से पहले मैं लगाती हूँ 24। देख सकते हो एक्चुअली जो डे क्रीम है ना उसकी फ्रेग्रेंस मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ये है बट कम अच्छी लगती है, बट ये रिजल्ट देता है तो मैं इसे यूज करती हूँ। तो इससे भी रात को इतना सा लेना है, इतना सा, और फिर क्या करना है कि पूरे फेस पे लगा लेना है, और हाँ जो हमारी आईज है ना, आईज के नीचे इसे अच्छे से लगा के इसको, मतलब राउंड क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में हमें इसे मसाज करना है। तो इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होता है और स्किन पर ग्लो आता है, नाइट में सोने के बाद मतलब एकदम रिलैक्स होके सो जाओ तो ऑटोमेटिकली अपने फेस पे ग्लो आता है। मैं कल मिलती हूँ नए कंटेंट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, टेक केयर, लव यू ऑल एंड या